खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। रिपोर्ट शौकत सुल्तान भट्ट के मुताबिक जीरोला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सेहत के प्रोग्राम हर घर की दहलीज पर के तहत सेहत की सहूलियात की फराहमी की मुहिम जारी। इस प्रोग्राम का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करना है ताकि हर फर्द को आसानी से तिबी खिदमात तक रसाई हासिल हो सके। इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में तिबी कैंप्स का इनकार किया जा रहा है जहाँ लोगों को मुफ्त तिबी मुआयने अद्वियात और दीगर तिबी सहूलियात की फराहमी की जा रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस प्रोग्राम के तहत मोबाइल हेल्थ यूनिट भी मुतारफ कराए गए हैं जो दूर दराज इलाकों तक सेहत की सहूलियात पहुँचा रहे हैं। आवाम की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में भी सेहत की सहूलियात में बेहतरी लाई जा रही है ताकि लोगों को मियारी सेहत की खिदमात मिल सके। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए हुकूमत पंजाब मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि सेहत की खिदमात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। फैसलाबाद के शहरियों ने इस मुहिम की तारीफ की है और इसे सेहत की सहूलियात की फराहमी के हवाले से एक मुस्बत कदम करार दिया है। हुकूमत पंजाब का कहना है कि वो इस प्रोग्राम को मज़ीद वसअत देगी। इन ख्यालात का इजहार सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर को कोआर्डीनेटर जुनेद अजमत भट्ट ने किया। फैसलाबाद की सियासी व समाजी शख्सियात जमील भट्ट, उस्मान जफर भट्ट, एडवोकेट मून भट्ट, सलीम भट्ट, शौकत सुल्तान भट्ट, साबका नायब सदर बार फैसलाबाद सरवर भट्ट ने जुनेद अजमत भट्ट को इनके ओहदे का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। जुनेद अजमत भट्ट से हल्का अहबाब की फलाह बहबूद और मेडिकल मामलों पर तबादला ख्याल भी किया। Mm-hmm.